आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल एन के लिए, ठीक है। यानी कि एन में हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री, कोई भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं और बाद में समझेंगे एडिशन टेबल ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल फाइव के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जो एन है एंड स्मॉल एन आर एनी टू नेचुरल नंबर, हमारे पास कोई भी ये नेचुरल नंबर्स होंगे। और जो हमारे पास कैपिटल एन है वो बड़ा रहेगा किससे, स्मॉल एन से, स्मॉल एन से बड़ा रहेगा। व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय एन, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे कैपिटल को स्मॉल के साथ, देन द रिमाइंडर कैन बी, जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा वो वन टू थ्री या कोई भी हो सकता है, और उसको करना क्या है, स्मॉल एन माइनस वन। तो यहाँ पे आप देखें कि हम सबसे पहले यहीं पे आ जाते हैं कि हमारी जो एडिशन है, एडिशन टेबल जो है फाइव के लिए वो कैसे होगा। वर्किंग रूल आपको यहाँ पे बताते हैं। वी ऐड द पेयर ऑफ एलिमेंट्स एज एन ऑर्डिनरी एडिशन एंड राइट द आंसर इन द रेलिवेंट बॉक्स एक्सेप्ट डैट व्हेन द सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव, यानी कि इक्वल फाइव के हो या फाइव से ग्रेट हो, यानी कि बड़ा हो। वी डिवाइडेड इट बाई फाइव एंड इंसर्ट द रिमाइंडर, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यानी कि बॉक्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर थ्री प्लस टू है तो वो फाइव है। इन प्लेस ऑफ फाइव वी राइट जीरो एज फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू वन, रिमाइंडर हमारे पास जीरो आएगा क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जीरो बचेगा अगर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है उससे हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ये एडिशन के लिए, सम के लिए, ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये ऊपर को, इधर को, और ये इधर को, यानी कि दोनों साइड को हमने क्या किया है, फाइव के लिए किया है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये यहाँ से जीरो आएगा, यहाँ से भी जीरो, जीरो लिखा गया, ठीक है। ऊपर से वन आया, टू आया, थ्री आया, फोर आया। अभी हमें ये पता है ये वाला जीरो जो है इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, और ये वाला इधर शिफ्ट हुआ। ऊपर से वन आया, टू आया, थ्री आया, फोर। अब ये देखें, ये वन इधर से शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये टू कैसे आया, ये वन और ये वन, टू बन गया। अब ये थ्री कैसे आया, टू और वन थ्री। ये फोर कैसे आया, थ्री और वन फोर। और यहाँ पे जीरो कैसे आया, क्योंकि हमें पता था कि जो फाइव था उसकी जगह हमने जीरो लिखना है, तो ये जीरो इधर आया। नेक्स्ट देखें, ये टू कैसे आया, इस तरह, यहाँ पे थोड़ी हमें गड़बड़ मिली है देखने को। एक्सप्लेनेशन में उसने बताया है कि जो हमारी दूसरी रो है उसमें वन प्लस फोर फाइव है, टू प्लस थ्री, टू प्लस फोर। यहाँ पे हमें थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिली है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।